अल्लाम फ्रेंड्स आई होप यू आर डूंग वेल सो आज जो है हम चैप्टर ट्वेंटी फोर ग्लास आइनोवर रेस्टोरेटिव मटीरियल ठीक है इसको डिस्कस करने लगे हैं इसको पॉली पॉलीअल्किनोइड्स भी कहते हैं ठीक है सो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले अच्छा तो देखिए ग्लास आइनोमर रेस्टोरेटिव मटेरियल हैव बीन अवेलेबल सिंस अर्ली नाइनटीन सेवेंटी एंड वर ड्राइव फ्रॉम द सिलिकेट सीमेंट अब ये कह रहे हैं कि जो ग्लास आइनोमर रेस्टोरेटिव मटेरियल जो मैं आपको पढ़ाऊँगी अभी ठीक है सो ये अवेलेबल हुआ था नाइनटीन सेवेंटी में ठीक है और ये किससे ड्राइव हुआ था ये आपको पता होना चाहिए ये ड्राइव हुआ था सिलिकेट सीमेंट से, से जो कि आप पर इस सेक्शन पढ़ेंगे और पोली कार्बोक्सिलेट सीमेंट से मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लास आई सीमेंट किससे ड्राइव हुआ था सिलिकेट से और पॉलीकार्बोक्सलेट सीमेंट से ठीक है अब पॉली कार्बोक्सीट सीमेंट जो है ना वो सिलिकेट से भी पहले क्या हुआ था डिवलॉप्ड हुआ था सेवर ईयर एयर लेयर ठीक है कई साल पहले और ये फर्स्ट डेंटल सीमेंट है ठीक है इसका मतलब कि पॉलीकार्बोक्सीट अगर सिलिकेट से भी पहले ड्राइव हुआ है कुछ कुछ साल पहले तो इसका मतलब फर्स्ट डेंटल सीमेंट फर्स्ट डेंटल सीमेंट पॉलीकार्बोक्सीट सीमेंट है ना तो ये एम से क्यूज आ सकता है ठीक है फॉर विच एनहेरेट एनहेरेंट एडिशन टू दूस सब्सटेंस कु बी डेमोस्ट्रेटेड और इसके पास एक इनहेरेंट एडिशन थी किसके साथ टूथ स्ट्रक्चर के साथ ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीकार्बोक्सिलेट के पास इनहेरेंट एडिशन है टू टूथ स्ट्रक्चर और दूसरा ये फर्स्ट डेंटल सीमेंट है ठीक है अच्छा द क्विक गेन पॉपुलरिटी एज ल्यूटिंग सीमेंट अच्छा इसको जो है क्विकली गेन पॉपुलरिटी मतलब इसको पॉपुलरिटी मिली ल्यूटिंग सीमेंट के तौर पर ठीक है बट कुड नॉट बी यूज एज रेस्टोरेटिव लेकिन इसको रेस्टोरेटिव के तौर पर यूज़ नहीं किया जा रहा ठीक है मतलब इसको जो पॉपुलरिटी मिली वो इसकी ल्यूटिंग सीमेंट मिले इसको हम रेस्टोरेटिव परपज़ में यूज नहीं करते क्यों यूज नहीं करते कोई वजह होगी ना इसकी हाई सोलिबिलिटी है अब हाई सोलिबिलिटी है तो में कैसे यूज़ कर सकते हैं पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है अनएक्से अनएक्सेप्टेबल अपेरेंस है कॉज और ये ये तीन वजह है इस वजह से हम रेस्टोरेशन में यूज नहीं करते ठीक है ल्यूटिंग में यूज हो सकती है ठीक है अच्छा और ये ये तीन जो मैंने बताई कि हाई सोलिबी पोअर मैके मेकेनिक, पोअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अनएक्सेप्टेबल अपेयरेंसी किस वजह से हुई ये हुई किस वजह से रिडल ऑपेक्स जिंक ऑक्साइड कॉज बाय रेजिडल ऑपिक जिंक ऑक्साइड्स को हाईलाइट कर लीजिएगा कि रेजिडल ऑपिक जिंक ऑक्साइड जो पॉली सीमेंट में पाया जाता है इसकी वजह से इसकी हाई सोलिबिटी हो गई पोअर मैकेिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई और अनएक्सेप्टेबल अपेयरेंस हो गई इस वजह से जो है इसको रेस्टोरेट रेस्टोरेटि पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता ल्यूटिंग सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और उसी के बेस पर इसको पॉपुलरिटी भी मिल गई अच्छा ये बात तो हो गई पॉलीकार्बोक्सीट सीमेंट की अब है इट वॉज डिस्कवर्ड डेट वेन द जिंक ऑक्साइड ऑफ द पॉलीकार्बोक्सीट मटीरियल वॉर रिप्लेस विद आयन लीचेबल ग्लास ग्लासम टू डेट यूज इन सिलिकेट सीमेंट अच्छा फिर क्या हुआ अब इसकी प्रॉब्लम जो है ना इसकी मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो रेजिटल ऑपेिक जिंक ऑक्साइड की वजह से आ रही है अब हमने क्या किया हमने डिस्कवर किया ऐसा मेथड कि हम ये सोचे कि अगर हम इसकी रिप्लेस कर दें जिंक ऑक्साइड जो है ना पॉलीकार्बोक्सीट के जो कि ऑपेिक लाइक है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें ठीक है मटीरियल उस रिप्लेस मतलब हमने रिप्लेस कर दिया किससे किया रिप्लेस ये भी पता होना चाहिए हमने किया आइन लिचेबल ग्लास से ठीक है आइन लिचेबल ग्लास से किया और ये आइन लिचेबल ग्लास सिलिकेट सीमेंट में यूज होता है आयन एलिजिबल ग्लास सिमिलर टू डेट यूज प्रियोलिस इन सिलिकेट सीमेंट हमने सिलिकेट सीमेंट में पढ़ेंगे ठीक है वहाँ पे हम आयन इलिजिबल ग्लास यूज़ करते हैं अब हमने क्या किया पॉलीकार्बोक्सिलेट का जो ऑपेक्सिंग ऑक्साइड था उसको रिप्लेस कर दिया आयन इलिजिबल ग्लास से अब आयन इलिजिबल ग्लास से जब हमने रिप्लेस किया तो क्या हुआ इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो गई जो पहले वीक था तो अब वो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया स्ट्रॉगर हो गया पहले हाई सोलिबल था तो अब वो लेस सोलिबल हो गया ठीक है और पहले अनएक्सेप्टेबल अपेरेंस थी तो अब क्या होगा मोर ट्रांसलेट सीमेंट बन गया ठीक है कुड बी प्रोड्यूस तो इसका मतलब इसकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी अब इसको हम स्टेट परपज़ में यूज़ कर सकते हैं ना क्योंकि अब तो ये स्ट्रॉग भी है लेस सॉलिबल भी है ट्रांसलेटर सीमेंट भी बन गया है किस 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 तरह से बना क्योंकि हमने जिंक uh, ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया आई एलिजिबल ग्लास से ठीक है सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन इन नेक्स्ट हम कम्पोजिशन को देखेंगे